लोग घर पहुंचे ना पैदल चल के चाहे जैसे ही, इतना बड़ा ट्रेन से पैदल आ नहीं पा रहे हैं ना। अरे भैया बच्चे परेशान है, मोदी जी से परमिशन लेके गए थे पढ़ने। यूक्रेन में लोग याद कर रहे हैं बच्चे उनको बहुत। सर क्यों नहीं, सर एक मिनट, यूक्रेन में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं ना। आप इंडिया में थे ना लॉकडाउन में, इंडिया में नहीं लोग इंतजार किए? और सर लोग घर पहुंचे ना पैदल चल के चाहे जैसे ही, इतना बड़ा ट्रेन से पैदल आ नहीं पा रहे हैं ना, दिक्कत। इतना बड़ा सिस्टम है, एक मिनट भाई साहब, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा वो है, भारत का झंडा ही वहाँ के लिए काफी है। तब का झंडे से काम हो जाए। अभी एक खबर आ रही, रुकिए तो, अभी खबर आ रही पोलैंड बॉर्डर में घुसने नहीं दिया जा रहा भारतीयों को, रोका गया है। हम लोग भी देखे हुए हैं, लेकिन जो घुसने देंगे आप अपने घर में, हमको बच्चे परेशान है ना। अरे भैया बच्चे परेशान है, मोदी जी से परमिशन लेके गए थे पढ़ने। अच्छा उनकी गलती जो वहाँ गए नहीं है, आप नहीं नहीं परमिशन पहले जो है योगी जी से मोदी जी से परमिशन ले फिर जाए विदेश पढ़ने। स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। अभी आज एक वीडियो फेसबुक पे मैं देख रहा था पाकिस्तानी लड़की का, उसने स्पष्ट कहा कि कम से कम आज हम भारतीय होते तो भारत सरकार हमारा हाल चाल लेती। सही बात है, वो सब ठीक है तो हाँ ये भी बढ़िया बात है, कंपेयर ही पाकिस्तान से कर। रुक जाइए वहाँ इंडियन बच्चे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई नहीं, यहाँ पर यूएस का सब निकाल लिए गए, हम ही क्यों फंसे। और आपका ये दावा कि भाई मोदी जी योगी जी से, अभी अभी आपने कहा मोदी जी योगी जी से पूछ के जाए बच्चे पढ़ने विदेश। नहीं नहीं ये कहा, नहीं नहीं ये मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात से कट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। गलत, अब वो भाई कैसे गलत है, अब मैं बता रहा हूँ ना, तर्क सुनिए। आप कहीं जाते हैं तीर्थाटन पे, घर में 6 मेंबर है, मेरी पहले मेरी बात सुनिएगा, 6 हैं 7 हैं 8 हैं 10 हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद भी पता चलता है 2 बैग की जगह नहीं, इसको निकाल के घर रख दो। पहले मेरी बात समझिएगा, 18 से 20 हज़ार वहाँ छात्र हैं, सरकार तो 4 दिन डाटा इकट्ठा करने में लग गई विदेश मंत्रालय से कितने लोग गए हैं, और वहाँ बमबारी हो रही है। अभी तो अभी किसी के हताहत होने के भारतीय विद्यार्थी खबर नहीं आई। नहीं मैं बात सुनिए भाई, अभी कोई जहाज सब सोच के सारी बच्चे परेशान है ना, खाने को नहीं मिल रहा है, सोने की व्यवस्था नहीं है, भैया सबको बॉर्डर पे परेशान है, हम इंडिया में परेशान है। अभी एक हमारे मित्र है चंद जी, अभी उन्होंने बताया कि हमारे एक परिचित महाराजगंज के उनका लड़का वहाँ पढ़ रहा था, तो हमने उसको फोन किया हालचाल घर जानने दियो, करा अंकल हम तो 4 दिन पहले ही आ गए, जो ये ढीठई में थे कि यहाँ कुछ नहीं होगा, वो लोग इंतजार करते रहे। और देखिए ऐसी कई कंडीशन पिछले 7-8 वर्षों में भारत ने फेस किया है, एक एक बच्चे भारत के भविष्य हैं, भारत वापस आएंगे सकुशल आएंगे। और पढ़ने मोदी जी से पूछ के जाना चाहिए। नहीं 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 ये भाई तो आप मोदी जी अभी एक दिन पत्रकार आए हो पड़ी वहां जाने की, ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्यों जरूरत 70 साल पिछले जाए, योगी जी आए आपके गोरखपुर में, आप एम्स खुल गया, प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज चालू हो गए, बच्चे वहाँ क्यों पढ़ने? हाँ देखिए अब हर जिले में एक एक में जा रहे पढ़ने बच्चे, आपने कहा अब हमारे अब बताइए क्यों जा रहे, क्यों इस नाते जा रहे हैं, मेडिकल करने जाएंगे, दवाई पे कमीशन अलग, उस पे जांच पे अलग, फीस का अलग। अभी एक लड़का जो यूक्रेन में पढ़ रहा होगा, देखिए सामाजिक हर स्तर, आप हम मिडिल क्लास से आते हैं, वहाँ भी बच्चे मिडिल क्लास में, अरे मैं भी लोन लेके गए हैं पढ़ने, भैया इंतजार करते वो इंतजार करते कि यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो जाएं 5-10 साल बाद, क्या पढ़ाई करते कहाँ से आएंगे। अच्छा उसमें जो गए हैं, नहीं अरे भाई मैं जान वहाँ से मिल के, नहीं नहीं मैं जान के कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं रुकिए डॉक्टरी पढ़ने का, रुक जाइए, कुछ अच्छे इंजीनियर होते, कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते, कुछ अच्छे नेता हो सकते, भाई साहब पढ़ने जाएंगे वहाँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप कह रहे हैं कि पेशेंट जो है वही नहीं डॉक्टर ज्यादा बन जाएंगे, 20,000 लोग हैं ना वहाँ भाई साहब, 16,000 डॉक्टर, भाई साहब लाखों के अनुपात में एक डॉक्टर है प्रदेश में, पता है आपको? भैया मेरी बात सही है, कैसी बात कर रहे हैं यार आप, कह रहे हैं ना आप एक अच्छे कौन है उसका मेडिकल का पढ़ने गए, नहीं नहीं दोषी कौन है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे ही नहीं पाए, 10 साल सरकार की नहीं, 10 साल मेडिकल कॉलेज 2-1 साल में नहीं बनते, 70 साल मेडिकल गए इसीलिए गए, और इसीलिए जितने मुश्किल हो रहा है उनको दिख रहे हैं यूपी में, इसीलिए तो गए ना, नहीं अब जो आप तो नौजवान साथी, इन लोग के पास सहमत हैं आप,
भाई साहब यही बीआरडी मेडिकल है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। क्या करने गए बच्चों भाई? देखे सर, सबके पास अपॉर्चुनिटी है, सबके पास अपना चॉइस करने का। कुछ बढ़िया इंजीनियर भी हो सकते थे भाई, ये उनकी चॉइस। लीडर भी हो सकता है, बढ़िया व्यवसायी भी हो। भाई साहब ये उनकी चॉइस है, वो क्या करना चाहते हैं। पिताजी के द्वारा व्यक्तिगत चीजों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, गलत कर रहे हैं। गंगा में लाश बह रही थी, योगी जी कहा थे मोदी जी, लसवा तो हमारे ही गार्जियन की थी, उन्हीं के बेटे ने करोड़ों शौक में बहा दिया उन्होंने, ये तो वो जाने। तो आप बताइए ना, नहीं मेरे घर पूछा जाएगा। क्योंकि भाई साहब आपकी कैंटीन चल रही है, 300 कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आप 12,000 रुपए सैलरी देने तैयार है एक आदमी को, इसलिए आप नहीं करते। जिसके पास नहीं है चिता जलाने के लिए पैसा, जिसके पास लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं है, वो बहाएगा, बहाता है। देखा हूँ सर, ऐसी बात सर, वो जो दिन था वो सर नहीं बहाता, कोई एक भयावह दिन था सर, भयावह दिन। भी लोग मरते हैं, किसी का पेड़ कटता है क्या, दो दो लकड़ी दे के लोग जला देते हैं। लोगों ने शौकिया बहाया है, शौकिया नहीं, नहीं कुछ सही था कुछ गलत था। व्यू जान के आया, ठीक बात भाई साहब। क्या नाम है आपका? आकाश शुक्ला। आकाश शुक्ला, आप पूछ रहे हैं भाई साहब? क्या नाम है? आकाश शुक्ला। आकाश शुक्ला जॉब करते हैं सरकारी, इनको साम में तो कराइए आप। जॉब करते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में। ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि डॉक्टर ही पढ़ के 5,000 फीस लेंगे तो मोदी जी को देंगे, और इसलिए वहाँ बच्चे मरे। कौन सा रहा मरे? तो आप ही कह रहे हैं कि झेले, आपने नहीं कहा, आपने कहा कि नहीं झेले, आपने कहा कि नहीं झेले। झेले भैया, धैर्य मतलब रखें, धैर्य। हाँ धैर्य रखें, आएंगे एक एक बच्चे हिसाब आएंगे, एक एक बच्चे भारत सकुशल आएंगे, एक अभिनंदन झेले तो पाकिस्तान पचा मगर अभी झेले। ठीक है, कोई नहीं झेलेगा, धैर्य रखे। नहीं नहीं गलत कह रहे हैं, कोई नहीं झेलेगा, सब कुशल आएगा। लेकिन एक बात बस, रशिया में है तीसरे साल MBBS में, MBBS तीसरा साल। वहाँ क्यों भेज दिया पढ़ने के लिए? चूंकि हमको यहाँ पढ़ाना चाहिए था, इंतजार करते, चूंकि जनरल का लड़का था इसलिए बढ़िया मार्क नहीं आ रहा था, और यहाँ मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए हमने भेज दिया थर्ड ईयर में रशिया को। आप कह रहे हैं क्यों भेज दिए विदेश बच्चे? क्यों, आपने मोदी जी से पूछा था? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं मोदी जी से पूछ रहे हैं जितना बच्चे को भेजे। अपने रिश्तेदारों से पूछे होंगे भेजने से पहले? हम किसी से नहीं पूछे थे, बच्चे का मन था इसलिए हमने भेज दिया उसको। ये चॉइस की बात है ना पूरी तरीके से।